लोक में अकृत्रिम चार सोठावन धाम जिनवर जहाँ विराजते तिन सब को है प्रणाम। पंच मेरु वक्षार गिरी के अस्सी अस्सी गज दंतों के बीस कुलाचल तीस कहे हैं। सौ सत्तर विजयार्ध कुरु की दस संख्या है। ईश्वाकार मानुषोत्तर के नंदीश्वर के बावन जिन गृह महामनोहर। कुंडल रुचक गिरी के चार चार अति सुंदर। सब में शतक आठ प्रतिमाएं सदा सुशोभित। भाव वंदना करके हम सब होते हर्षित। एक वर्ग राजू तथा तिर्यक चर्चा करन को आ जाओ प्रत्येक। तिर्यक चर्चा करन को आ जाओ प्रत्येक। तिर्यक चर्चा में आज अपनी चर्चा होगी ढाई दीप में विशेष। अभी तक हमने ढाई दीप के बारे में बहुत कुछ विस्तार से पढ़ लिया है, जान लिया है, समझ लिया है। अब उसको पूरा समराइज करते हुए कितना पढ़ा, कैसा पढ़ा, क्या क्या उसमें पढ़ा है, वह सब कुछ नए एंगल से यहाँ अपन पूरा उसका सांगोपांग एक बार पुनः उस पर चर्चा करेंगे। जैसे अपन ने जम्बूदीप के बारे में पूरा डिटेल पढ़ने के बाद उसका पूरा शॉर्ट ब्रीफ अच्छे से अपन ने जाना था विशेष, ऐसे ही ढाई दीप के बारे में सब कुछ जानने के बाद आज अपन ढाई दीप के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। हमने उसमें क्या क्या अभी तक जाना, शुरू करते हैं ढाई दीप में विशेष। कक्षा नंबर 28 ढाई दीप में विशेष, ठीक है। अपन इसमें क्या क्या जानेंगे देखते हैं। पहला, कर्म भूमियाँ। ढाई दीप में कर्म भूमियाँ कितनी, 15 कहो अथवा 170 कहो, दोनों बातें हो सकती हैं। ये हमने अभी तक जानी, इसको अपन फिर से जानेंगे एक बार। नंबर दो, भोग भूमियाँ 30 हैं ढाई दीप में। नंबर तीन, कुभोग भूमिया 96। नंबर चार, मेरु पर्वत 5 हैं। नंबर पाँच, वर्षधर अथवा कुलाचल 34 हैं। सरोवर 130 हैं। महानदियाँ 70, नाभिगिरी 20, यमकगिरी 20, कनकगिरी अथवा कांचनगिरी 1000, गजदंत पर्वत 20। ये ढाई दीप में इतना इतना अपन पढ़ चुके हैं, वो भी हमें ध्यान में है कि नहीं है, नहीं होगा तो रिवीजन हो जाएगा। आगे, मूल वृक्ष हैं कितने, 10। दिग्गजेंद्र पर्वत 40, वक्षार पर्वत 80, विभंगा नदियां 60, विदेह जनपद 160, विजयार्ध पर्वत 170, वृषभगिरी 170, आर्यखंड 170, मिलेच्छखंड 850, तीर्थंकर कम से कम 20 अधिकतम 170, और अकृत्रिम चैत्यालय 398। मध्यलोक में कितने जनालय हैं, मंगलाचरण ही तो अपन रोज पढ़ रहे हैं, 458 धाम, 458। लेकिन अभी तक ढाई दीप में 398 तक पहुंचे अपन, तभी पूरा काम नहीं हुआ और आगे बढ़ना है। तो हमने ढाई दीप में इतना सब पढ़ लिया है, हमें ध्यान है कि नहीं है, या इस एंगल से ध्यान है कि नहीं है, कोई बात नहीं, अब ये एंगल भी अपन अच्छे से देख लेते हैं। ये सारी बातें कहाँ पढ़ ली, हमने कैसे पढ़ ली, कैसे हो गई, अब एक एक क्रम से जानते हैं। सबसे पहला कर्मभूमियाँ,
बढ़ते हैं आगे। कर्म भूमियां कितनी हैं? 15 भी कह सकते हैं, 70 भी कह सकते हैं। वहां कितना लिखा था? 100। हाँ, यहाँ करेक्शन कर लें, 170 बराबर। यहाँ पर जो अगला पेज आएगा, यहाँ कर्म भूमियां 170 कर लीजिए, ये 15 अथवा 170 कैसे हो गई देखते हैं। अच्छा, ओवरऑल देख लें दो मिनट में, 15 कैसे हो गई कोई बता सकता है? 15 कर्म भूमियां कैसे? 5 भारत क्षेत्र, ढाई द्वीप में 5 भारत क्षेत्र, इनकी 5, 5 ऐरावत क्षेत्र, इनकी 5, 10 और 5 विदेश क्षेत्र, इनकी 5, 15। क्लियर? ये 15 कर्म भूमियां हैं, यहां सब जगह एक एक कर्म भूमि है। यदि इसको 170 बनाना हो तो 170 बना सकते हैं। कैसे? 5 भारत की 5, 5 ऐरावत की 5 और 5 विदेहों की 160, क्योंकि 160 खंड हो जाते हैं और 160 खंडों में एक एक कर्म भूमि एक एक में है। इस तरह से 160 कर्म भूमि वो और 5 भारत और 5 ऐरावत की 10 से, इस तरह से 170 कर्म भूमियां हो जाती है। पढ़ लेते हैं एक बार, ये 170 हो गया। देखिए, ढाई द्वीप में 5 भारत, 5 ऐरावत तथा 5 महाविदेह में प्रत्येक की एक एक के हिसाब से 15 कर्म भूमियां हैं। आगे, यदि 5 विदेह की नगरियां 32 × 5 = 160 जोड़े तो कर्म भूमियां 160 + 10 = 170 हो जाती हैं। इतनी सी बात है, ठीक है? किसी को समझ में ना आए तो बीच में पूछ सकते हैं, ठीक है? तेजस पांगरे, नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं, समझ में आ जाए तो बता सकते हैं, और कुछ भी नहीं हो तो देखते रहो। जय हणवि सक्कम अणज्य वणज्य भाषम बणा दुगा हेदुम तह सक तह मई सक्केण मया। ध्वन में आ गया होगा जिन्होंने समय सार पढ़ा है। चलिए, 170 हो गई। आगे बढ़ते हैं, 22 विषय अपन को पढ़ना है इस कक्षा में भी, 22 पॉइंट अभी पहला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2, भोग भूमियां कितनी है? 30, कोई बता सकता है कैसे? बिल्कुल सरल है, भारत क्षेत्र हो गया, उसके बाद कौन सा? हेमवत, हरि, विदेश क्षेत्र का देवकुरु, उत्तर कुरु, फिर रम्यक, हैरण्यवत, कितने हो गए? 6 हो गए। विदेश क्षेत्र के 2 ले लिए, देवकुरु उत्तर कुरु, और बाकी इधर भारत क्षेत्र छोड़ दो, वहां ऐरावत क्षेत्र छोड़ दो, बाकी बचे 4 और विदेश क्षेत्र के 2, तो कितने? 6। तो 6 जगह ये भोग भूमि, और ऐसे ही ढाई द्वीप की लेंगे तो कितनी हो जाएंगी? 6 × 5 = 30, एकदम सिंपल हो गई 30 भोग भूमि। देखते हैं इधर, ढाई द्वीप में 5 हेमवत, 5 हरिवर्ष, 5 देवकुरु व 5 उत्तर कुरु, 5 रम्यक व 5 हैरण्यवत, इन 30 क्षेत्रों में शाश्वत भोग भूमियां हैं। इसका मतलब ढाई द्वीप में कितनी भोग भूमियां हुई अभिषेक? 30 भोग भूमियां हैं, शाश्वत भोग भूमियां, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखो ये भोग भूमियों का अपन सचित्र देख सकते हैं। ये देखो भोग भूमिया में देख रहे हैं ना, ये कल्प वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, कल्प वृक्ष वहां पर होते हैं, और ये ट्विंस, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, ये सब जगह दिख रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ भोग भूमि में इस तरह की संरचना होती है, कल्प वृक्ष होते हैं, वहां ट्विंस ही जन्म लेते हैं, ट्विंस ही एक्सपायर होते हैं एक साथ, इस तरह की व्यवस्था है। एक भोग भूमि में है, वहां पर कुछ काम नहीं करना पड़ता है, बिना कर्म किए ही सब कुछ भोगने को मिल जाता है। चलिए आगे बढ़े, कुभोग भूमिया 96 कहाँ है? इतना तो ध्यान होगा ना, ताजा ताजा पड़ा है, कहाँ है? लवण समुद्र और कालो समुद्र में। लवण समुद्र में कितनी? 48 और कालो समुद्र में 48 दोनों को जोड़ दो तो 96। ये अपन ने ताजा ताजा पढ़ा ही है, इसलिए मुझे लगता है कि कोई भूला नहीं होगा, भूले कोई? संयम,
भूलने की जरूरत क्या है, याद ही नहीं था तो क्या भूलेंगे। कोई ये भी कह सकता है याद ही नहीं था तो भूलने की क्या जरूरत है। तो हमारी गलती क्या है, गलती तो तब है कि याद हुआ हो और फिर भूल गए, हमें तो याद ही नहीं हुआ, है ना संभव। यदि कोई ऐसा कहे, तुम्हारा नहीं कह रहा हूं, यदि कोई कहे तो जवाब दे सकता कि नहीं। चलिए 96 को घूमिया, लवण समुद्र के अभ्यंतर भाग में और बाह्य भाग में, अभ्यंतर भाग में कितनी 24, बाह्य भाग में 24, ऐसे ही कालो समुद्र के अभ्यंतर भाग में 24, बाह्य भाग में 24, तो ये 24 चौके 96 कुभो भूमियां हैं, जहां पर कैसे मनुष्य रहते हैं, एक पैर वाले, पूंछ वाले, शेर मुख वाले, खरगोश मुख वाले, लंबे लंबे कान वाले, ऐसे कान वाले के उन्हीं कानों को बिछा लें, उन्हीं को ओढ़ लें, ठीक है। इस तरह के बहुत वैरायटी के मनुष्य वहां पर रहते हैं, बेबी ट्विंस ही होते हैं, जुड़वा पुरुष स्त्री जन्म लेते हैं, मरण करते हैं, इस तरह की वहां पर व्यवस्था होती है। देखिए कल्प वृक्ष वहां पर भी होते हैं, लवण समुद्र के अभ्यंतर तट की 24 तथा बाह्य तट की 24, इस प्रकार कुल 48 एवं कालो समुद्र के भी अभ्यंतर व बाह्य तट की 24 प्लस 24 बराबर 48 होने से 48 प्लस 48 बराबर 96 कुभो भूमियां होती हैं, ठीक है विकास, कोई दिक्कत तो नहीं, स्पष्ट है, कितनी हो गई कुभो भूमियां 96 हो गई ना। चलिए देखो ये हैं सचित्र, देख लें, ये देख रहे हैं सब, इस तरह के वहां पर मनुष्य होते हैं, नीचे का उनका मनुष्य का ही होता है पूरा फेस, चेहरे का थोड़ा अलग टाइप का रहता है, त्रेंचो जैसा होता है, अलग अलग टाइप का, हाँ किसी की हाथी का चेहरा भी हो सकता है, ऐसा बंदर का है, और इधर ही उल्लू का भी है, वैरायटी के हैं, अब है सो है, अब भाई क्या कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो इस तरह की कुभ भूमि की इस तरह की व्यवस्था वहां पर जानना चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, मेरु पर्वत कितने हैं, 5 हैं, पंच मेरु, इनकी चर्चा अपन अच्छे से कर चुके हैं, देखें जम्बूद्वीप में कितने, 1 धातुकी खंड में, 2 पुष्करार्ध में, 2 टोटल कितने हो गए 5, देखें ढाई द्वीप में कुल 5 मेरु हैं, प्रथम सुदर्शन मेरु जम्बू द्वीप के बहुमध्य भाग में है, इसी तरह धातुकी खंड के पूर्व भाग में विजय व पश्चिम भाग में अचल मेरु है, इनके अलावा पुष्करार्ध के पूर्व भाग में मंदर मेरु तथा पश्चिम भाग में विद्युन्माली मेरु है, इस तरह कुल 5 मेरु हैं, ठीक। ये देखो ये 5 मेरु हैं इस तरह के, फिर से अपन देख सकते हैं और देखें, इसमें सुदर्शन मेरु 140 योजन ऊंचा है, कितना है सुदर्शन मेरु 140 योजन ऊंचा है, ये जो बीच वाला है, बीच वाला, तथा शेष 4 मेरु 85,040 योजन ऊंचे हैं, इन 5 मेरुओं में प्रत्येक के 4-4 वन हैं तथा उन पर कुल 80 अकृत्रिम जनालय हैं, ये चारों, ये विजय अचल मंदर और ये विद्युन्माली, इस तरह से 5 मेरु हैं और इन 5 मेरुओं में 80 अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं, चैत्यालय 80 सुखकारी मन वचतन वंदना हमारी, ऐसे उन अकृत्रिम चैत्यालयों को यहीं से भाव वंदन हो। आगे और देख लें, ये ढाई द्वीप में ये है, ठीक है, पंच मेरु, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5, वर्षधर पर्वत अथवा कुलाचल पर्वत 34 है, 34 कैसे हो गए, असली में देखा जाए तो 32 हैं, कितने हैं 32 हैं कि 34 हैं, याद करो 32 हैं, कितने, अब दो पार्टियां बन गई, एक 34 वाली एक 32 वाली, देखते हैं कितने हैं। जम्बूद्वीप में हिमवन आदि 6 तथा धातुकी खंड के में दोनों दिशाओं के 12 व पुष्करार्ध में भी 12 होने से कुल 30 कुलाचल हुए, जम्बूद्वीप में 6, धातुकी खंड द्वीप में 6 दूनी 12
पुष्करार्ध में भी 6 × 12 कितने हुए, 30 हुए। और ये 4 कहाँ से बढ़ गए, 2 जो इस्वाकार पर्वत थे ना धात की खंडद्वीप में और पुष्करार्ध में, उनको भी कुलाचल कहते हैं, तो उन 4 को और जोड़ दिया तो ऐसे 34 हो गए। इनके अतिरिक्त धात की खंड और पुष्करार्ध को पूर्व पश्चिम भाग में विभाजित करने वाले 2-2 इस्वाकार पर्वत और जोड़ देने से 6, 12, 12, 2, 2 बराबर 34 कुलाचल अथवा वर्षधर पर्वत हो जाते हैं। ठीक है, वैसे सामान्य रूप से देखें तो कितने हैं, 30। हिमबन, महाहिमबन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी, ये जम्बूद्वीप में 6। ऐसे ही इसी नाम वाले धात की खंडद्वीप में 12 हैं, पुष्करार्ध में भी 12 हैं, तो कुल हो जाते हैं 30। पारस कितने, पारस का नाम लिया है, पारस 30। फिर 4 कहाँ से बढ़ गए, पूरा पश्चिम के, कहाँ के पूरा पश्चिम के, पुष्करार्ध के और धात की खंड के और पुष्करार्ध के, पूर्व पश्चिम वाले बढ़ गए। नाम क्या है उनका, बोलो, इस्वाकार। क्या है, इस्वाकार। 4 वो है धात की खंड में, 2 पुष्करार्ध में, 2, तो 4 ये होने से 34 वर्षधर अथवा कुलाचल पर्वत हो जाते हैं। ठीक है, देखो ये है हिमबन, हिमबन है और इस पर ये कूट दिखाई दे रहे हैं, जनालय भी दिख रहा है, और यहाँ से इस पर सरोवर है, सरोवर उस पर, इस सरोवर से ही इधर से गंगा नदी बह रही है, इधर से सिंधु नदी बह रही है, ये है अपना पूरा कुलाचल हिमबन, हिमबन है, ऐसे ही अपन मान ले सारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरोवर कितने हैं, 130, कोई बता सकता है 130 कैसे हो गए। जम्बूद्वीप में है कितने, 6, कितने, 6। धात की खंडद्वीप में कितने, 12, और पुष्करार्ध में 12, कितने हुए, 30 ही हुए, यहां तो 130 हो रहे। याद करो जम्बूद्वीप में 6 ही नहीं है, 26 हैं। कितने, 26, कैसे, 6 हिमबन पर्वत के, हिमबन, महाहिमबन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी, इन 6 पर्वत के 6 सरोवर, फिर विदेह क्षेत्र के सीता, सीतोदा नदी के, सीतोदा नदी इस तरफ से बहती है इस तरफ की ओर जाती, तो 5 यहाँ के, 5 यहाँ के, इस सीतोदा नदी के हो गए, और सीता नदी ऊपर से ऐसी आके ऐसी जाती है, तो 5 वहाँ के, 5 यहाँ के, 10 और 10 20, 20 और 6 26, इस तरह से जम्बूद्वीप में 26 सरोवर कहो, तालाब कहो अथवा हृद कहो, एक ही बात है, ये 26 होते हैं। जम्बूद्वीप में 26 हैं, तो धात की खंड में कितने होंगे, 26 दूनी 52, 52 52, और पुष्करार्ध में कितने, 52 52, तो 52 52 26, तीनों को जोड़ दो तो कुल 130। स्पष्ट है, देखें, जम्बूद्वीप में हिमबन आदि पर्वतों पर पद्मादि 6 सरोवर हैं, इसी तरह विदेश क्षेत्र के देवकुरु व उत्तर कुरु में सीता व सीतोदा नदी संबंधित 20 सरोवर होने से 6 + 20 बराबर 26 सरोवर हुए जम्बूद्वीप में। इसमें धात की खंड व पुष्करार्ध के दुगने दुगने अर्थात 52 + 52 बराबर 104 जोड़ देने से 26 + 52 + 52 बराबर 130 सरोवर हो जाते हैं। ऐसे ये अपना सरोवर, सरोवर परे कमल है, कमल परे कौन है, श्रीदेवी है, श्रीदेवी सबको याद आती है, और भी तो होती है, हृदेवी भी होती है, है ना, धृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी, बहुत है, लेकिन वो क्या है, शुरुआत कहाँ से होती है, श्रीदेवी से, और जहाँ से शुरुआत होती है तो वही नाम सबको याद आता है। चलिए कोई बात नहीं, ये हो गया। इस तरह से सरोवर कितने बता दिए, 130 सरोवर ढाई द्वीप में है। आगे बढ़ते हैं, महानदियां 70,
बिल्कुल सरल है। जम्बू द्वीप की कितनी? 14 महानदियां। कौन सी? नाम बताओ। गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, हरित, हरिकांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, स्वर्णकूला, रूपकूला, रक्ता, रक्तोदा। कुछ बची? हो गई। कितनी हुई? 14 हुई टोटल। और 14 हुई जम्बू द्वीप में, तो धातुकी खंड में 14 दूनी 28, उष्कुरार्ध में भी 28, 28, 28, 14, ये सबको जोड़ दो तो टोटल 14 × 5 = 70, 70 ये महानदियां होती हैं ढाई द्वीप में। ठीक है दीसे? देखें, जम्बू द्वीप में प्रथम पद्म सरोवर से 3 और अंतिम पुंडरीक सरोवर से 3 तथा अन्य 4 सरोवरों से 2-2 नदियां निकलने से, ठीक है, पहले सरोवर से 3 निकलती हैं, गंगा, सिंधु, रोहितास्या, उधर सबसे ऊपर 3 निकलती हैं, 3 यहां, 3 वहां, बीच में 2-2, तो 3 × 3 = 6 और 2 × 2 = 2 कितनी हो गई टोटल? 3 × 3 = 2 = 2 = 2 बराबर 14 महानदियां हो जाती हैं। इनमें धातुकी खंड व पुष्करार द्वीप की 28 बराबर 56 नदियां जोड़ देने से कुल 14 × 28 = 28 बराबर 70 महानदियां हो जाती हैं। यहां देख लें, ये है सरोवर, यहां से निकल रही है नदी, ठीक है, दिखाने के लिए एक दिखा दी है अपनी। टोटल कितनी? टोटल ढाई द्वीप की 70 महानदियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं, नाभिगिरी कितने? 20। बता सकता कोई 20 कैसे? बहुत बढ़िया, जम्मू द्वीप के 4, धातुकी खंड के 8, बहुत बढ़िया, जम्मू द्वीप के 4, धातुकी खंड के 8, पुष्करार्ध के 8, 4, 8, 8, 4 कहां? हेमवत, हरी, रम्यक, हिरण्यवत, इन चारों क्षेत्रों पर एक एक। पहला क्षेत्र छोड़ दो, अंतिम छोड़ दो और बीच का छोड़ दो। क्या बोले? पहला छोड़ दो, अंतिम छोड़ दो और बीच का छोड़ दो, सेंटर वाला, और जो बीच से इधर के 2 ले लो, बीच से उधर के ले लो 2, अथवा पहले के बाद 2 ले लो, अथवा आखिरी के बाद इस तरफ 2 ले लो। कितने हो गए? कितना कंफ्यूजन हो रही है, 4 ही तो हुए। वो तो बात ऐसी लग रही है दोनों, तीतर के 2 आगे, तीतर, तीतर के 2 पीछे, तीतर, अब बतलाओ कितने तीतर? बोलो दर्शन, ये कह रहा है एक। तो कई लोगों को भ्रम हो रहा है कि वो 4 लिए, 4 8 लिए, कई लोग 8 कह रहे हैं। कितने हुए सुजल? 5, इन्होंने कहा 4, तीतर पूछ रहा हूं, तीतर कितने? 3, तीतर के 2 आगे तीतर और तीतर के 2 पीछे तीतर, कैसे? क्यों? तीतर के 2 आगे तीतर और तीतर के 2 पीछे तो है ही नहीं, कौन से लोगे? इसी एक तीतर के इधर 2 कर दो, कैसे करोगे? या ऐसे करके इधर ऐसे कर दो, जो भी करना हो अपने अपने हिसाब से लगा लेना। होते तो कितने हैं? 3 हैं, ठीक है। ऐसे यहां बताया कि जो नाभिगिरी पर्वत हैं जम्बू द्वीप में 4 हैं, कहां कैसे? भरत क्षेत्र के आगे वाले 2 क्षेत्रों में और ऐरावत क्षेत्र के इस तरफ वाले 2 क्षेत्रों में, अथवा विदेश क्षेत्र के उस तरफ के 2, विदेश क्षेत्र के इस तरफ के 2, कितने हुए? 4 ही तो हुए। इधर से उधर के 2 लो, उधर से इधर के 2 लो, अथवा विदेश क्षेत्र से उधर के 2 लो, इधर के 2 लो, 4 ही तो हुए। नाम लेना हो तो हेमवत, हरी, रम्य, हिरण्यवत, इन चारों क्षेत्रों में एक एक, तो कुल कितने हुए? 4।
तो चार तो हुए कहां पर? जम्बूद्वीप में। धातकी खंड द्वीप में हो जाएंगे डबल, तो हो गए आठ। पुष्करार्ध में आठ, तो टोटल हो गए 20। नाभिगिरी पर्वत देखें, ढाई द्वीप के पांचों हेमवत, हरी, रम्यक व हिरण्यवत क्षेत्रों के ठीक मध्य में एक एक नाभिगिरी पर्वत है। अतः इनकी कुल संख्या 5×4=20 हो जाती है। देखें इधर और, ये पर्वत ऊपर नीचे समान गोलाकार वाले हैं व सफेद रंग के हैं। पर्वतों का विस्तार 1000 योजन है। इन पर व्यंतरों के निवास है। देखें ये है नाभिगिरी पर्वत, दिख रहे, ये बताया ये ऊपर से नीचे समान गोलाकार के हैं, बिल्कुल समान मिलेंगे और वह सफ़ेद रंग के हैं। पर्वतों का विस्तार 1000 योजन है। ये 1000 योजन यहाँ लिखा हुआ है, 1000 योजन। इन पर व्यंतरों का निवास है। ये थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा है, ये अन्य आगम प्रमाण के द्वारा थोड़ा सा अलग है और एक आगम प्रमाण के द्वारा यही बताया गया है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यमगिरी कितने हैं? 20। बता सकते हैं कोई कैसे? कनिष्ठ का 1, कनिष्ठ के 2, कनिष्ठ के 3, कनिष्ठ का अभी से कम गया, पैर में लग गए नहीं तो 4 होते। सेकंड ईयर का 1, 2, बहुत बढ़िया। वरिष्ठ 0, फर्स्ट ईयर हीरो, थर्ड ईयर महाहीरो। चलो कितना सिंपल, कितने बार बता चुके, ठीक है, चिन्मय बस बताएगा, है ना? नहीं भूल गए, अपन ने देखा था ना, ये सीतोदा नदी निकल रही ना यहां से, कौन से सरोवर से? तिगिंच। तिगिंच से ऐसी निकली और इस तरफ की ओर मुड़ी, तो ये जो सीतोदा नदी ऊपर की ओर जाके ऐसी बह रही है, सीतोदा नदी के एक इस तरफ एक इस तरफ, उधर से नील पर्वत केसरी सरोवर से, वहां से सीता नदी निकल रही है, ऐसी आके ऐसी गई, उसके एक इधर एक इधर, वो भी कितना कितना बताया था, 1000 योजन जाकर आगे जा, माने एक इस तरफ एक इस तरफ, तो 2 यमगिरी उधर, 2 यमगिरी इधर, कितने हुए? 4। जम्बूद्वीप में 4, धातकी खंड में 8, पुष्करार्ध में 8, 8 8 4 कितने हो गए? 20। 16 कौन बोला? 8 8 16 बोले, 8 8 16 और 4 20, बहुत बढ़िया। देखें ढाई द्वीप के पांचों देवकुरु और उत्तर कुरुओं में, देवकुरु में और उत्तर कुरु में ही होते हैं। सीता व सीतोदा नदी के दोनों तटों पर उत्तर दक्षिण दिशा की ओर एक एक करके कुल 20 यमगिरी हैं। ये देखो यमगिरी, यमगिरी एक कांचनगिरी है, ये अपन अभी कांचनगिरी भी देखेंगे। ये यमगिरी, इस पर यमकदेव रहते हैं। ये देखो पूरा पर्वत है, इसका पूरा विस्तार यहाँ 1000 योजन, यहाँ 750 योजन, यहाँ 500 योजन, इस तरह से विस्तार बताया गया है। ये यमगिरी का है, और फिर अपन कांचनगिरी का अगले में भी देख लेते हैं। कांचनगिरी का हो अथवा कनकगिरी, एक ही बात है, कनक माने सोना, कांचन माने सोना, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, ये तो सुना ही होगा ना, नहीं सुना? कनक माने क्या होता है? कहाँ गया शुभम? शुभम नहीं है, अनुराग बताएगा। कनक माने, हाँ यही अर्थ तो पूछ रहा था, कनक माने आटा, सुना है? बुंदेलखंड में कनक का अर्थ होता है आटा, लेकिन यहाँ कनक माने आटा नहीं है। अरे धतूरा होने तो दो, अपन तो बात चल रही है अपनी, है ना? धतूरा भी होता है, सोना भी होता है, आटा भी होता है, लेकिन यहाँ कनक माने हमें क्या लेना है? सोना। कनक माने सोना, कांचन माने भी सोना, तो कनकगिरी का हो कांचनगिरी का हो एक ही बात है। कई बार ऐसा मिल जाता है, कहीं लिखा है कि ढाई द्वीप में 20 कनकगिरी होते हैं और कहीं लिखा है कांचनगिरी 20 होते हैं, तो कई लोग सोचते हैं कि ये 20 अलग है वो 20 अलग है, लेकिन वही 20 से 20 हैं, इतना हमें जानने में आना चाहिए। बाकी ये 20 ना होके कितने हैं? कितने? 1000।
कोई बता सकता है 1000 कैसे? 1, 2, 3 कुछ लोगों ने तो नियम ले रखा है कि बताने नहीं है, भले ही पता हो, है ना? ऐसा ही है कुछ, बिल्कुल सरल है। ये विदेश क्षेत्र में है, कहाँ है? विदेश क्षेत्र में, कौन से कुरु में? कुरु में नहीं है, नदियों के साइड साइड। अपन ने सरोवर देखे थे ना, कितने? जम्बूद्वीप में कितने सरोवर? 20। सॉरी, विदेश क्षेत्र में कितने सरोवर? 20। जम्बूद्वीप में तो 26 थे, विदेश क्षेत्र में कितने? 20। कहां पर मिले थे? सीतोदा नदी के जो जा रही है यहां से यहां और यहां से यहां, तो साइड में एक स्त्रप, एक स्त्रप, 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 स्त्रप करके 5-10, और इधर से गए तो 5-10 कितने हो गए? कितने हो गए? 20 हो गए? नहीं हो गए। सीतोदा के इधर से 5 और सीतोदा के इधर से 5, तो कितने हुए? 10। और ऊपर से सीता नदी आई ऐसी, तो वहां 5, इधर से ऐसी गई तो इधर 5, कितने हो गए? तो 5, 5, 10, 5 और 5, 10 कितने हुए? 20। ये टोटल 20 हुए सरोवर, और प्रत्येक सरोवर के पूर्व पश्चिम में 5 इधर 5 इधर। तो सरोवर यदि 20 हैं, तो सरोवर यदि 20 हैं तो उनके बगल में क्या है? क्या है? पर्वत। कौन से पर्वत? कांचनगिरी। कांचनगिरी पर्वत है। तो यदि 20 सरोवर है तो कांचनगिरी कितने हो गए? 200, क्योंकि 5 स्त्रप 5 स्त्रप हर एक सरोवर के, तो हर सरोवर के 10-10 गिन लें, तो 20 धाम 200। ये जम्बूद्वीप के विदेश क्षेत्र संबंधी हुए। जब 200 तो धात की खंड द्वीप के होंगे 400, पुष्करार्ध के 400, तो 400 400 800 और 200 1000। एकदम सिंपल बात है। चलिए देखें, मेरु पर्वत की चारों दिशाओं में सीता व सीतोदा नदी के दोनों तटों पर जो 5-5 सरोवर हैं, उन सरोवरों के उभय तटों पर 5-5 कनकगिरी हैं। इस प्रकार एक मेरु पर्वत के पास 20 × 10 = 200 कांचनगिरी हैं। इनमें 5 मेरु संबंधी 5 का गुणा करने पर 500 × 200 = 5 = 1000 कनकगिरी हो जाते हैं। ठीक है, ये है कपना कनकगिरी। इस पर कांचन देव रहते हैं, कांचन पर्वत है। इस तरह की इसकी व्यवस्था है। 100 योजन ये चौड़ा है, 75 योजन बीच में है, मध्यम में चौड़ा, और ऊपर 50 योजन चौड़ा है। ठीक, क्लियर, आगे बढ़े। 11 नंबर गजदंत पर्वत कितने हैं? 20। कैसे? जम्बूद्वीप के विदेश क्षेत्र के 4। ठीक है, ध्यान है, कैसे? ऐसे और ऐसे आ गया ध्यान में। सौरभ, पृथ्वी, पुर, देखो कैसे? ऐसे। हाथी के तो ऐसे रहते हैं, कैसे रहते हैं? हाथी के दांत ऐसे, बेबी भी हाथी दांत हैं, उनको निकाल के ऐसा रख दिया है। ऐसे और ऐसे कितने हुए? 4। ये 4 तो हैं जम्बूद्वीप के विदेश क्षेत्र में। धात की खंड द्वीप के विदेश क्षेत्र में कितने होंगे? 8, क्योंकि इधर भी 4, इधर भी 4। पुष्करार्ध के भी कितने? 8, इधर भी 4, इधर भी 4। कितने हो गए कुल? 20। 4×5=20। देखें, जम्बूद्वीप में 4, धात की खंड द्वीप में 8 तथा पुष्करार्ध में 8 गजदंत पर्वत हैं। इस प्रकार ढाई द्वीप में कुल 4 + 8 + 8 = 20 गजदंत पर्वत हुए। देखना एक बार, देख लो, ये है गजदंत पर्वत। हाथी का दांत बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, क्या करने लग गए? क्या खा रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है, जाओ बाहर।
गजवागज खारा धसा है, जो भी हो छोड़ो। आगे देखें, मूल वृक्ष कितने हैं? 10। इनके परिवार वृक्ष तो लाखों में हैं, मूल ही 10 हैं। अच्छा, ये मूल कौन से 10 कोई बता सकता है? एक जन। ऐसे लड़कों को तो पुरस्कार देना चाहिए, 1, 2, 3, 4, ठीक है। प्रशंसा वाला पुरस्कार तो मिल ही जाता है, बाकी फिर पुण्य प्रमाण है। हाँ, मूल वृक्ष 10 हैं। कैसे? जम्बूद्वीप में, उत्तर कुरु में एक, कौन सा? जम्बू वृक्ष। देवकुरु में एक, कौन सा? शालमली वृक्ष। कितने हुए? 2। धातकी खंड द्वीप में 4, कौन से 4? इस तरफ 2, इस तरफ 2, इस तरफ उत्तर कुरु में एक, कौन सा? धातकी वृक्ष। देवकुरु में शालमली वृक्ष, इस तरफ धातकी वृक्ष, इस तरफ शालमली वृक्ष, कितने हो गए? अभी 10 कहाँ हो गए भाई? जम्बूद्वीप के 2, धातकी खंड के 4, 6 हो गए। पुष्करार्ध में, उत्तर कुरु में पुष्कर वृक्ष, देवकुरु में शालमली वृक्ष, इस तरफ उत्तर कुरु में पुष्कर वृक्ष, इधर शालमली वृक्ष, कितने हो गए? कुल 10 वृक्ष मूल वृक्ष हो जाते हैं। देखिए, जम्बूद्वीप के विदेश क्षेत्र में उत्तर कुरु में जम्बू वृक्ष व देवकुरु में शालमली वृक्ष, ऐसे 2 वृक्ष। धातकी खंड में धातकी आदि 4 तथा पुष्करार्ध में पुष्कर आदि 4, ऐसे कुल 2+4+4 बराबर 10 वृक्ष हुए। कैसे? देखें, ये देखो, ऐसे वृक्ष हैं जो मूल वृक्ष है, दिख रहा है? इसका सब विस्तार विस्तार अपन पहले भी देख चुके हैं। इसका तना और ये सब देखो, इस तरफ ही बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं, और ये वृक्ष सब पृथ्वी कायक हैं, वनस्पति कायक नहीं। और इन सब में कहीं पर महल हैं तो कहीं जिनालय हैं, दिख रहे हैं सब? ये महल 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 जिनालय, ठीक है। ये देखो, छत्र भी लगा हुआ है, ठीक है। इस तरह से ऐसा एक वृक्ष है तो ऐसे कितने सारे वृक्ष, मुख्य तो 10 और विस्तार से परिवार वृक्ष अनेक लाखों में। बहुत बढ़िया, इनका प्रश्न है कि मूल वृक्ष में तो 4 शाखाएं बताई थी, यहाँ ज्यादा दिखा दी। ये अब जिसने भी बनाया हो समझाने के लिए बना दिया, ठीक है। वास्तव में देखा जाए तो शाखाएं कितनी? 4। 3 शाखाओं पर देवों के उनके भवन, और एक पर जिनालय, ठीक है। अब समझाने के लिए जिन्होंने भी चित्र बनाया हो, ये चित्र तो अपन ने बनाए नहीं हैं, जहाँ जहाँ से मिल गए मिल गए। अपना काम तो इतना रहा, मूल आगम से निकाल के विषय रखने का प्रयास किया है। बाकी अन्य लोगों ने इतनी मेहनत की, उनकी मेहनत, उनके लिए धन्यवाद, ठीक। चलिए आगे बढ़े। दिग्गजेंद्र पर्वत 40 हैं। ये दिग्गजेंद्र पर्वत कहाँ थे, किसी को ध्यान है? हाँ, प्रिंस हाँ। चलिए कोई बात नहीं, कोशिश कर ली। नदियों के इस तरफ या सुमेरु पर्वत के इस तरफ, 2 उधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, कितने हो गए? 8। तो जम्बूद्वीप में 8, धातकी खंड द्वीप में हो जाएंगे 16, पुष्करार्ध में हो जाएंगे 16, 16, 16, 8, 8 पंचे 40, सीधा है। देखें, ढाई द्वीप संबंधी 5 मेरु पर्वतों के भद्रशाल वन में सीता और सीतोदा नदियों के उभय तटों पर 2-2 दिग्गजेंद्र पर्वत हैं। इस प्रकार कुल 5×4 बराबर 20 दिग्गजेंद्र पर्वत हुए। आगे एक गड़बड़ हुआ है कुछ, दिग्गजेंद्र पर्वत कितने हैं? 40 हैं, और ये यहाँ क्या लिख गया? 5×20, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। क्या आना चाहिए यहाँ? यहाँ 4 की जगह 8, तो 5×8=40 होंगे इधर, ठीक है। करेक्शन कर दें थोड़ा सा, 5×8=40 हो जाएंगे दिग्गजेंद्र पर्वत।
क्योंकि सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में भद्रशाल वन पर दो दो हैं, तो आठ हैं। जम्बूद्वीप संबंधी या सुमेरु पर्वत संबंधी आठ हुए, तो अन्य मेरु संबंधी फिर धातुकी खंडद्वीप में 16, पुष्करार्ध में 16, तो ऐसे 40 हो जाते हैं। ये देखो 8 × 5 = 40 हो गए दिग्गजेंद्र पर्वत। आगे 14 नंबर बक्षार पर्वत कितने हैं? 80। कोई बता सकता है कैसे 80, कहाँ 80? विदेह क्षेत्र के पूर्व विदेह पश्चिम विदेह। पूर्व विदेह में एक नदी निकली, कौन सी? सीता। पश्चिम विदेह में सीतोदा। सीता नदी निकलने से विदेह क्षेत्र जो पूर्व विदेह था उसके दो खंड हो गए। सीतोदा नदी के निकलने से पश्चिम विदेह के दो खंड हो गए, एक ऊपर एक नीचे, उत्तर दक्षिण उत्तर दक्षिण, चार खंड हो गए। अब फिर क्या हुआ? फिर इन नदियों में से यहीं से इनको विभाजित करने वाले और कितने पर्वत? चार बक्षार पर्वत दक्षिण में सीता नदी के, चार बक्षार पर्वत सीता नदी के उत्तर में, चार बक्षार पर्वत सीतोदा नदी के दक्षिण में, और चार बक्षार पर्वत सीतोदा नदी के उत्तर में। कितने हो गए? 16। और 16 जब जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र में है तो धातुकी खंडद्वीप में 32, उष्कुरार्ध में 32, तो 32 32 16 5 80। ठीक है, मेरी थोड़ी गणित अलग टाइप की चलती है। 16 5 80 हो गए ना। 16 16 16 16 16, तो 16 5 80 क्या हुए? बक्षार पर्वत। देखें कैसे, जिन पर्वतों के निमित्त से पूर्व पश्चिम विदेहों में सीता व सीतोदा नदियों के उभय तटों पर विदेह क्षेत्र के आठ आठ खंड होते हैं उन्हें बक्षार पर्वत कहते हैं। ये एक विदेह में 16 है तथा ढाई द्वीप के पांच विदेहों में कुल 16 + 32 + 32 = 80 बक्षार पर्वत हुए। ठीक, आगे बढ़े। विभंगा नदियां 60, कौन बताएगा 60 कैसे हो गई? एक हाथ तो एकदम सुपर हिट। और आप लोगों को ही लगता कि ऐसा हमारा हाथ भी उठे पंचम काल में? नहीं, ऐसा अंदर से भावना आना चाहिए कि हम क्यों नहीं, हम क्यों नहीं। प्रश्न उठा के हाथ उठा, बल्कि ऐसा होना चाहिए प्रश्न का पूरा तो आएगा बाद में, पूछने वाले के अभिप्राय से ही पूरा प्रश्न समझ लिया जाए। शुरुआत की क्या पूछने वाले हैं, उत्तर हाजिर, इसको कहते हैं असली जवाब देगी उत्तर देने वाला। ठीक है, तो क्या बोले? विभंगा नदियां 60 कैसे हो गई? ये जो बक्षार पर्वत गिने ना अपन ने, कितने? 80। तो बक्षार पर्वत तो चार जहां थे, ये चार बक्षार पर्वत हैं, तो इनके बीच में एक नदी एक नदी एक नदी, तो चार बक्षार में तीन नदियां, तो चार बक्षार में तीन, फिर चार में तीन, फिर चार में तीन। तो जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र में बक्षार पर्वत यदि 16 हैं तो विभंगा नदियां होंगी 12। जब जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र में विभंगा नदियां 12 हैं तो धातुकी खंड में 24, पुष्करार्ध में 24, तो 12 × 5 = 60 12 24 24 24 2 48 और 12 60 विभंगा नदियां होती हैं जो विभंग कर देती हैं, भंग भंग कर देती हैं, खंड खंड कर देती हैं, इसलिए उनका नाम है विभंगा नदियां। कहीं विभंग नदियां मिलेगा, कहीं विभंगा नदियां, बात तो एक ही है। देखें, विदेह क्षेत्र के दो बक्षार पर्वतों के मध्य बहने वाली नदी को विभंग अथवा विभंगा नदी कहते हैं। ये नदियां नील व निषद पर्वत से निकलकर सीता और सीतोदा नदियों में मिल जाती हैं। इन्हीं नदियों और बक्षार पर्वतों के कारण विदेह क्षेत्र के 32 खंड हो जाते हैं। आगे, ये नदियां जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र में 12 तथा धातुकी खंड व पुष्करार्ध के दो दो विदेहों की
24 प्लस 24 बराबर 48, इन सबको जोड़ने पर कुल 12 प्लस 24 प्लस 24 बराबर 60 में गंगा नदियां हो जाती हैं। आगे 16 नंबर, विदेह जनपद 160, जनपद कहो, खंड कहो, नगरियां कहो, विदेह क्षेत्र कहो, सब एक ही बात है, ठीक है। कितने हैं जनपद? 160। कैसे? जम्मू द्वीप में 32, धातकी खंड में 32,000 32,000 64, पुष्करार्ध में 32,000 32,000 64, सबको जोड़ दो, 32 पंचे 160। इतनी सी बात। देखें, जम्मू द्वीप के विदेश क्षेत्र में 32 जनपद अथवा नगरियां हैं, इनमें धातकी खंड व पुष्करार्ध की 64 प्लस 64 बराबर 128 जोड़ देने से कुल 32 प्लस 128 बराबर 160 जनपद अथवा नगरियां हो जाती हैं। देखें, ये है नगरियां, ठीक है। ये विदेश क्षेत्र में, ये जम्मू द्वीप का विदेश क्षेत्र है, मेरू पर्वत है, इस तरफ है कितनी, इधर 8, इधर 8, इधर 8, इधर 8, 8 चौके 32 और 32 पंचे 60 है, कितनी तुक भी मिलती है, इधर 8, इधर 8, इधर 8, इधर 8, कितनी हुई 32, और पांचों में देखी 32 पंचे 60, 8 की हो गई 60, तो हो गई 132 पंचे 160। इस तरह से 160 ही जनपद अथवा नगरियां, ये विदेश क्षेत्र में 32 हैं जम्मू द्वीप के, तो ढाई द्वीप संबंधी हो जाएंगे 160, ठीक है। ऋषभ, क्या ओके, क्या क्या कह दिया? कम दिख रहा है, देखने की जरूरत ही कहाँ है, ये तो देखने नहीं है अपन को, तो ये देखना है, ये तो सब देख चुके अपन, पूरा गिनना है बस, ये तो बस एक दिखाने के लिए एक चित्र रख दिया, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 17, विद्यार्थ पर्वत कितने हैं? 170। कैसे कैसे? भरत क्षेत्र का 1, जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र का 1, एरावत क्षेत्र का 1, कितने हो गए? 2। विदेह क्षेत्र के 4 कहां से हुए? विदेह क्षेत्र की नगरियां कितनी? 32, और हर एक नगरी में 1-1, तो कितने हो गए? 32, और भारत एरावत का 1-1, तो हो गए 34। जम्मू द्वीप के 34, धातकी खंड के 34 दूनी 68, पुष्करार्ध के 64 दूनी 68, और 34 पंचे 170, ठीक है। माने जम्मू द्वीप में 34 है, धातकी खंड में 34 दूनी 68 है, पुष्करार्ध में 34 दूनी 68 है, सबको जोड़ देने पर 170 क्या होते हैं? विद्यार्थ पर्वत। देखें, जम्मू द्वीप में भरत व ऐरावत क्षेत्रों को विभाजित करने वाले 1-1 विद्यार्थ पर्वत हैं। इसी तरह विदेश क्षेत्र की 32 नगरियों में भी प्रत्येक में 1-1 विद्यार्थ होने से कुल 1 + 1 + 32 = 34 विद्यार्थ हुए। इनमें धातकी खंड व पुष्करार्ध के 68 + 68 = 136 जोड़ देने से कुल 34 + 136 = 170 विद्यार्थ पर्वत हो जाते हैं, ठीक है। आगे ये देखो, विद्यार्थ पर्वत ये ऐसा है, ठीक है। देखा था अपन ने, भारत क्षेत्र के बीचों बीच से निकला है, भारत क्षेत्र के दो खंड कर दिए, ऐसा ही ऐरावत क्षेत्र के बीच से निकला है तो ऐरावत क्षेत्र के दो खंड कर दिए। यहीं से एक खंड प्रपात गुफा है, कौन सी नदी निकलती है? सीता नदी। किसने निकाल दी भाई, कौन बोला सीता नदी? इसमें से सीता नदी नहीं निकलती भाई, कौन सी नदी? इधर गंगा नदी, इधर सिंधु नदी, ठीक है। चलो खैर, इन ये अपने इनके हाथ में, कहीं से निकाल दो, क्या जा रहा अपना। देखो, एक गुफा को अपन ने इधर लाके रखा, ये सिंधु नदी वाली, इधर की गुफा इधर, ये सिंधु नदी जा रही है, ऐसे ही गुफा यहाँ गंगा नदी जाती है इस तरह से, और ये इस पर नौकूट है, ये सिद्धायतन कूट, इस पर अकृत्रिम जैनालय है, और बाकी 8 कूटों पर व्यंतर देव रहते हैं,
ठीक है। ये ऐसा विद्यार्थ पर्वत, ऐसे 170 विद्यार्थ पर्वत हैं पूरे ढाई द्वीप में। यहाँ पर चक्रवर्ती की विजय आधी हो जाती है, इसलिए इसका नाम विजयार्ध पड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वृषभगिरी अथवा वृषभाचल कितने हैं? 170। कौन बता सकता है? एक दो। ये वृषभाचल पर्वत अथवा वृषभगिरी वही पर्वत है जहां पर चक्रवर्ती जाके अपना नाम लिखता है, और ये कहां है? विजयार्ध पर्वत के उस तरफ। उस तरफ में भी मिलेच्छखंड, जो बीचों बीच का मिलेच्छखंड है अपना, ये कारीखंड, इस तरफ मिलेच्छ, इस तरफ मिलेच्छ, फिर बीच में विजयार्ध पर्वत, उसके ऊपर गए इधर मिलेच्छ, बीच में मिलेच्छ, इधर मिलेच्छ। तो बीच का जो मिलेच्छ है विजयार्ध पर्वत की उत्तर दिशा का, बीचों बीच का जो मिलेच्छखंड है उसके बीचों बीच एक वृषभगिरी अथवा वृषभाचल पर्वत है जहां पर भरत चक्रवर्ती जाकर अपना नाम लिखता है। चाहे भरत चक्रवर्ती हो, चाहे कोई भी चक्रवर्ती हो, सब जाके अपना नाम लिखते हैं दूसरे का मिटाकर। ऐसा ये वृषभगिरी वृषभाचल है। तो जैसे विजयार्ध पर्वत 170 है, तो वृषभगिरी भी 170 है। ठीक है, देखें विजयार्ध पर्वत 170 है, उन प्रत्येक विजयार्ध पर्वत के उत्तर में स्थित मध्यवर्ती मिलेच्छ खंडों में एक एक वृषभगिरी है, तदनुसार वृषभगिरी कुल 170 होते हैं। आगे आरीखंड 170 कैसे? आरीखंड 170 एकदम सरल है। भारत क्षेत्र में कितने आरीखंड? कितने आरीखंड? एक। ऐरावत क्षेत्र में कितने आरीखंड? एक। विदेश क्षेत्र में कितने आरीखंड? 32। तो 32 और 2 34, धात की खंड में 68, पुष्करार्ध में 68, तो 34 68 68 सबको जोड़ दो 170 आरीखंड होते हैं जहां पर अयोध्या नगरी है। देखें, मैंने अपने जम्मू द्वीप के आरीखंड में तो अयोध्या नगरी है ही, बाकी अन्य जगह पर क्षेमा आदि नगरियां हैं। चलिए, ढाई द्वीप के 5 भरत, 5 ऐरावत क्षेत्र तथा 160 विदेह खंडों में प्रत्येक में एक एक आरीखंड होता है। इस हिसाब से 5+5 बराबर +160 बराबर 170 स्थलों पर 170 आरीखंड हुए। ये देखें आरीखंड दिख रहा है कहीं? ये बीच वाला ये आरीखंड है, माने ये आरीखंड है। ऐसे आरीखंड 170 है ढाई द्वीप में। ठीक, अच्छा, ये एक मिलेच्छखंड, 2 3 4 5 मिलेच्छखंड कितने हैं? 5। अच्छा, टोटल मिलेच्छखंड कितने होंगे? यदि आरीखंड एक है तो हर आरीखंड पे 5 मिलेच्छखंड हैं, तो इसका मतलब यदि आरीखंड 170 हैं तो मिलेच्छखंड उससे 5×5 का गुणा कर दो तो 850। वेरी गुड, देखो मिलेच्छखंड 850, आंसर सही है, मिलेच्छखंड 850 है। देखें, ढाई द्वीप में आरीखंड 170 है, मिलेच्छखंड उनसे 5 गुने है, इस तरह 170×5 बराबर 850 मिलेच्छखंड हुए। आगे देखें, अब 21वां नंबर का पॉइंट, तीर्थंकर कितने? 20 अथवा 170। 20 कैसे? विद्यमान 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुणगाऊं, सदाकाल विद्यमान शाश्वत जो 20 तीर्थंकर हैं सदाकाल विद्यमान हैं, इसकी अपेक्षा से जम्बूद्वीप में 4 धात की खंड में 8, पुष्करार्ध में भी 8। ऐसे 20 तो सदाकाल विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं, और यदि अधिकतम हो तो 170 तीर्थंकर हो सकते हैं एक साथ। कहां कहां? एक भरत, एक ऐरावत, इनके आरीखंडों में, विदेश क्षेत्र के 32 नगरियों में, ऐसे ही धात की खंड की 32×64 और पुष्करार्ध की 64। टोटल 170 तीर्थंकर अधिकतम एक साथ हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, और कम होंगे तो 20 से कम नहीं। निर्वाण बोला था इससे कम नहीं, 170 से ज्यादा नहीं,
और 170 से कम नहीं, ऐसा नहीं, 20 से कम नहीं। देखें, ढाई द्वीप में न्यूनतम सदाकाल विद्यमान 20 तीर्थंकर होते ही हैं, किंतु यदि अधिकतम हो तो 170 आरी खंडों के हिसाब से 170 तीर्थंकर उत्कृष्टता से हो सकते हैं। ऐसे वहां पर अपने भगवान विराजमान हैं, ठीक है, गहराई से मत देखना, ऐसे भगवान विराजमान हैं। चलिए आगे बढ़ें। 22वां पॉइंट अकृत्रिम चैत्यालय अंतिम बिंदु है इस कक्षा का। इसमें हमें देखना है कि ढाई द्वीप में कितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं, 398, 398। कोई बता सकता है कैसे? ये तो बता दो भाई, और सब छोड़ दो, चलेगा? अकृत्रिम चैत्यालय नहीं चलेगा, क्योंकि इन्हीं के लिए तो सारी मेहनत है, बाकी तो दीवालें खड़ी हैं, दीवालों से क्या लेना देना, उन दीवालों में जो देवल, कौन देवल विराजमान है, देवल मतलब देव, जैसे देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है, सुना है नहीं सुना, देह देवल में विराजमान कि देह रूपी मंदिर में विराजमान, देह देवल माने तो मंदिर होता है, तो उस देह रूपी देवल में विराजमान, तो ऐसे जो मंदिर में विराजमान है वहां ऐसे अकृत्रिम चैत्यालय और उसमें विराजमान जिनबिंब कितने हैं, कैसे हैं, देखते हैं अब, ठीक है। पहला पॉइंट, पांच मेरु संबंधी कितने, 80। ढाई द्वीप में पांच मेरु हैं और पांच मेरु के चैत्यालय 80 सुकारी मन वचन वंदना हमारी, तो पांच मेरु के 16 16 80 अकृत्रिम चैत्यालय। आगे बढ़े, नंबर दो, 30 कुलाचल हैं, 30 कुलाचल में हर एक में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय, तो कितने हो गए, 30, ठीक है। हिमवन पर्वत है, उसमें कूट हैं, कूटों में जो एक है वो सिद्धायतन कूट अथवा सिद्ध कूट, उसमें एक जिनालय, ऐसे 30 कुलाचल पर 30, 20 गजदंतों पर हर एक पर एक एक, तो ऐसे 20 जिनालय। नंबर चार, 80 वक्षार पर्वत, हर एक वक्षार पर्वत पर 80 जिनालय, 80 हुए। देखो अपन को नया कुछ नहीं है, सब वही है, उसको नई टेक्निक से समझ रहे हैं, सिंपल है। 170 विद्यार्थ पर्वत हैं और हर एक विद्यार्थ पर एक एक अकृत्रिम जिनालय, तो ऐसे 170 जिनालय यहां हुए। नंबर छह, 10 वृक्षों संबंधी, मूल वृक्ष 10 हैं और हर एक वृक्ष पर एक एक अकृत्रिम जिनालय, इस तरह से 10 जिनालय। नंबर सात, 4 स्वाकार पर्वत और चारों पर एक एक जिनालय होने से 4 जिनालय। नंबर आठ, मानुषोत्तर पर्वत एक है और उस पर 4 जिनालय, इस तरह से 4। देखना यहां पर ये पांच पर्वत, 30 कुलाचल, 20 गजदंत, 80 वक्षार, 170 विजयार्थ, इधर ही पर्वत आदि थे और उन पर ये जिनालय थे, यहां मानुषोत्तर पर्वत एक है और जिनालय 4। आगे टोटल आ गया 398। इस तरह से इतनी जगह पर ये 398 क्या हुए, अकृत्रिम जिनबिंब हुए। अपन ने मंगलाचरण पढ़ा है ना, अब मंगलाचरण अच्छे से पढ़ोगे तो ध्यान में आएगा, कहां क्या है शुरू से, पंचमेरु वक्षार गिरी के 80 80, गजदंतों के 20 कोलाचल, 30 कहे हैं, 170 विजयार्ध कुरु की 10 संख्या है, विश्वकार 4 4 हैं। अभी रुक जाओ, अभी आने दो, ये सब मंगलाचरण में है, कहानी जहां से शुरू होती है वहीं पर एंड होना है। मंगलाचरण से शुरू हुई और अंत में मंगलाचरण के समापन ही पर ही अपना ये मध्यलोक पूरा होगा, ठीक है, ऐसा ही तो होता है। एक था राजा, एक थी रानी, और दोनों दोनों के मरने पे ही कहानी खत्म होती है, ठीक है। यहां पर मंगलाचरण शुरुआत हुआ, उस मंगलाचरण में 458 चैत्यालयों की चर्चा शुरू की और इसका समापन जब होगा तो 458 चैत्यालय जब पूरे हो जाएंगे तब अपना मध्यलोक समाप्त हो जाएगा। विषय
ठीक है। इस तरह से अभी अपना विषय अभी भी बाकी है, क्योंकि अकृत्रिम चैत्यालय भी और भी बाकी है। इस तरह ढाई द्वीप में विद्यमान शाश्वत अकृत्रिम 398 जिनालयों में स्थित सर्व जिन बिंबों को हमारा मन वचन काय से नमन हो। बोले ढाई द्वीप में विराजमान सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो।